नगर निगम द्वारा ई रिक्शा व तिपहिया के माध्यम से प्रतिदिन शहर से डोर टू डोर कचरा एकत्र किया जा रहा है, साथ ही अपशिष्ट कचरे से खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। निगम आयुक्त ने प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने को कहा है। सफाई कर्मी ई रिक्शा व तिपहिया से कचरा कलेक्शन कर रहे हैं, जिसके बाद SLRM सेंटरों तक कचरा परिवहन किया जा रहा है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा SLRM सेंटरों का प्रतिदिन औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर निगम के PRO PC सर्वे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के माध्यम से ई रिक्शा और तिपहिया रिक्शा के माध्यम से लगातार जो है कचरे को उठाव शहरी क्षेत्रों से किया जा रहा है। रहवासी और बाजार क्षेत्रों से भी निगम जो है कचरा कलेक्शन कर रहा है। नाइट स्वीपिंग का काम भी हम रात्रिकालीन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है 150 टन कचरा जो नियमित रूप से निकलता है, उसका SLRM सेंटर में हम सेग्रीगेशन करके, उसका पृथकीकरण करके जो झीले प्लास्टिक और जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको अलग करते हुए उसे रिसाइकल और उसको बेच करके दूसरे उपयोग में ला रहे हैं। साथ ही जो गीले कचरे हैं उससे खाद निर्माण कर निगम जो है आयोजित कर रहा है।